स्लाइस ऑफ लाइफ शो, इट्स अ वेरी ह्यूमरस शो एंड इसमें जो जो हीरो है वो बहुत ही सिंपल सा लड़का है जिसको यू नो कोई भी उसको उल्लू बना सकता है, किसी की बातों में आ जाता है और लेकिन उसका मन साफ है और उसके उसके दो ही शौक है लाइफ में, एक तो है पहलवानी करना, तो वो बचपन से ही स्कूल छोड़ के वो पहलवानी देखने अखाड़े पे जाता है, वहाँ उसमें दूध उबलता हुआ दिखता है, पहलवान मार्च करते हैं, उसको सब बड़ा अच्छा लगता है। तो और उसके उसको एक जो प्यार है उसकी लाइफ का वो है माधुरी दीक्षित और उसको वो प्यार उन्हें वो इज्जत से माधुरी दीक्षित दीदी कहता है कि शादी करूंगा तो माधुरी दीदी जैसी लड़की से ही करूंगा। और जो गुड़िया है, सो द मेन थिंग अबाउट गुड़िया इज कि वो गुड़िया बताओ क्या पता है अपने बारे में, हम तो गुड़िया हैं। हम आपको अपने बारे में बताते हैं, जितनी भी गलतियां होती हैं शो में वो गुड़िया की वजह से होती हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे होती है बताओ, तुम क्या होता है? गुड़िया बहुत ही अच्छी लड़की है ना, लायक है और उसका मतलब सारी चीजों को देखने का नजरिया एकदम अलग है, जैसे सब लोग सोचते हैं वो बिल्कुल अलग सोचती है सब लोगों से, सुनती सबकी है लेकिन करती अपनी मन की, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और शैतान है, कहीं भी गिरती पड़ती रहती है, आप देखा होगा प्रोमो में लड़के देखने आते हैं भगा देती है, कभी मटका फूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फिसल जाती है, कभी लुढ़क जाती है, कभी कुछ ना कुछ, और जाते हैं तो फिर लड़का मतलब चला भी गया तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, उसको पता है कि उसके लिए कोई ना कोई बनाया है भगवान ने। बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता है ना वो ये है कि गुड़िया दिखने में इतनी खूबसूरत है नहीं, अब तो नहीं मिला, लेकिन हम बहुत हम दिसंबर के महीने में आए थे, बहुत ज्यादा ठंड थी और मुझे याद है कि एक ऐसा सीन था, बिल्कुल गंगा जी के बीच में एक एक टापू जैसा था जहां हम शूट कर रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन क्रेन वगैरह लगी हुई थी, इतनी ठंड थी कि हमें एक्चुअली प्रोडक्शन वालों ने थोड़ी थोड़ी रम पिलाई ताकि हमारा मुंह खुले, हम डायलॉग बोल पाए, हमारा मुंह ही नहीं खुला था। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो यहाँ की लस्सी ठंडाई मिठाइयाँ और वो सब हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन इतना हम घूम नहीं पाए आसपास। कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो सब तो ठीक है, किसी को भी मेकअप करके सुंदर तो बना देते हैं ना, बट ऐसे और लोगों को मतलब ऐसे ही गुड़िया से प्यार होना चाहिए, ये मतलब मेरा मेन मकसद है, ये नहीं होता कि मतलब अरे ब्यूटीफुल है इतनी सुंदर, वो तो सब दिखती है चैनल्स में, किसी भी चैनल में खोल के देख लो सब सुंदर सुंदर लड़कियां ही हैं, ऐसी लड़की भी तो होनी चाहिए ना।